परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका अध्याय 6 उत्पत्ति 6 और हम पढ़ेंगे 13 वचन से लेकर उसके आखिरी वचन 22 तक। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है उसका आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसीलिए तू अपने पुत्रों स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और बाकी बाकी का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तो लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना और उसको अपने हृदय में उतारना, ताकि आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर स्वर्गराज के वारिस आप बन सको, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सभी से एक वाचा बांधी थी, अपने चेलों से वाचा बांधी थी कि मैं पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस धरती के ऊपर भेज दूंगा, और जब वो समय आया 50वां दिन, और उस वक्त सभी लोग 50वें दिन का पर्व मना रहे थे, और तभी उन सभी के जीवन में जो प्रभु यीशु के चेले रह चुके थे 120 लोग, उनके ऊपर पवित्र आत्मा वो उतारे गए, और पहली बार पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए, और उस वक्त पतरस ने प्रचार किया, और पतरस का प्रचार बहुत ही भारी था, जो वहाँ लोग आनंद कर रहे थे, शांति में थे, सुख में थे, पर्व मना रहे थे, और वहाँ पर अचानक से पतरस ने सभी को डांट दिया, और पतरस ने सभी को बोल दिया, बोले आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पे ऊपर मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु आज भी जिंदा है और हमने उनको देखा है। और उस वक्त बहुत सारे लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे, और उनमें से कई लोग जो है वो पतरस के पास आए और पूछने लगे, पतरस अब हम क्या करें? और तब पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। और उस वक्त तकरीबन 3000 लोग जो है वो विश्वास में आए, और 3000 लोग ये जो शुरुआत की मंडली थी 120 लोगों की, उसके साथ ये 3000 लोग जो है वो मिल गए। और बाइबल में जब हम पढ़ते तो इन 3000 के बारे में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय
और उसका 41 वचन, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है जिन्होंने उसकी बात को माना, पत्रस का वचन जिन्होंने माना, वो लोग बपतिस्मा लेकर इनके साथ मिल गए। इसका मतलब सुनने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन उनमें से मानने वाले जो थे वो थे 3,000 लोग। आज का वचन बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इन आखिरी दिनों के आखिरी वक्त में परमेश्वर सभी लोगों को बचाना चाहते हैं, और इसलिए अपने वचन जो है वो पूर्ण रीति से उठोक कर हमको दे रहे। यहाँ पर लिखा है 3,000 लोग वो थे कि जिन्होंने पत्रस की बात को सिर्फ सुना नहीं था, लेकिन ये 3,000 लोगों ने पत्रस की बातों को माना था। फिर आगे लिखा है इन 3,000 लोगों के बारे में, उसका 42 वचन पढ़ो, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। ये जो 3,000 प्रेरितों से मिल गए, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, मतलब कि बने रहे। ये जो लोगों ने पत्रस की बात मानी, बपतिस्मा लिया, उनके पाप मिटा दिए गए, उनको पवित्र आत्मा मिल गए, अभी ये 3,000 लोग और साथ में 120 लोग, ये सभी लोग मिलकर हर रोज संगति करते, हर रोज प्रभु भोज लेते, हर रोज प्रार्थना संगति करते, और इनमें ये सभी लोग बने रहे। और आगे पढ़ते उनके बारे में, उसका 44 वचन, और सब विश्वास करने वाले और ये सारे विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे रहते थे। एक एक बात को आज नोट कर रखना कि सारे विश्वास करने वाले लोग कहां पर रहते थे, इकट्ठा मतलब एक साथ रहते थे। फिर और उनकी सब वस्तुएं हाँ साझे में थी, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी मतलब कि अपनी थी। 45 वे अपनी अपनी संपत्ति हाँ और सामान बेच कर वो अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी हाँ बांट दिया करते थे। सब कुछ बेचकर ये प्रेरित के पास लेकर आते थे, और जिनको जैसी आवश्यकता होती थी वैसे उनको बांट दिया जाता था। देखो जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन को सुनकर उनको माना, इन लोगों में परिवर्तन आया। लगातार संगति, लगातार उपदेश, लगातार प्रभु बोझ और लगातार प्रार्थना संगति। बाकी के लोग तो उनको क्या कहेंगे, पागल हो गए, ये क्या हर रोज संगति, हर रोज प्रभु बोझ कहाँ देखा है, वो तो महीने में एक बार होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये लोग लगातार इस बात में बने रहे। फिर आगे पढ़ते उसका 4 अध्याय और उसका 32 वचन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज और एक मन की थी। यहाँ पर लिखा है विश्वास करने वालों की मंडली एक मन और एक चित थी। बहुत ध्यान से समझते रहना, ये सभी लोगों की संपत्ति एक समान, ना मेरा ना तेरा, लेकिन हमारा इस तरह से साझे की थी। जिसको जितनी आवश्यकता होती थी वैसा उसको दिया जाता था, और ये सभी लोग एक मन थे, और ये सभी लोग एक चित थे, और ऊपर से सारे लोग एक ही जगह पर रहते थे, ये सभी लोग एक साथ रहते थे। अब एक बार क्या हुआ कि पत्रस प्रचार करने लग गए, तो फरीसी लोगों ने उनको पकड़ लिया, उनको जेल में डलवा दिया, और पत्रस जेल में चले गए, और 4 सिपाही लोग उनकी देखभाल कर रहे थे बेड़ियों से जकड़ कर। और उस वक्त बाइबल में लिखा है कि पूरी मंडली वो रात में पत्रस के लिए विनती कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और वो भी ऐसे नहीं कि पत्रस छूटे तो भी क्या, ना छूटे तो भी क्या, पूरा मन लगाकर जी जान से ये लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर हमारे पत्रस को बाहर निकालो, हमारे पत्रस को बाहर निकालो। देखना सारे विश्वासी लोग एक मन एक चित
उनके पास जो कुछ था बेचकर इधर लेकर आते थे और सभी लोग फिर साथ में रहने लग जाते थे। किसी का कहीं पर भी घर नहीं, सभी लोग एक साथ एक जगह पर, सभी लोग एक मन, सभी लोग एक चित। पत्रस जब जेल में एक तो सभी लोग उनके ऊपर प्रेम करते, सभी लोग पत्रस के लिए प्रार्थना करते, कोई वहाँ से भाग नहीं रहा, लेकिन सभी लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे। सोचो इनके जीवन में कितनी एकता थी, किस तरह से विश्वासी लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ बनती थी, कितनी एकता इनके जीवन में थी। पता है ऐसा कब होता है? ऐसी एकता जो है वो किसी विश्वासी के अंदर कब होती है? बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते रोमियां उसका 6 अध्याय और उसका 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वचन को समझना, जितनों ने मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का दास कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि उन्होंने प्रभु की मौत का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा जो शब्द है वो है यूनानी ग्रीक लैंग्वेज का, और बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना, ऐसा इसका मतलब होता है। और जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उतनों ने सही में कौन सा बपतिस्मा लिया? तो बोले प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब प्रभु यीशु की मौत में डूबकर बाहर निकले। वो सही में पानी में डूबकर बाहर नहीं निकले, वो लोग प्रभु यीशु की मौत में डूबकर बाहर निकले। और लेवी में ऐसा लिखा है उसके 17:11 में कि लहू में जान है, लहू में प्राण है, और प्रभु यीशु का लहू का एक एक कतरा बह निकला और इस कारण उनकी मौत हो गई। कोड़े की मार, कांटों का ताज, हाथ पैरों में खिले, और इस तरह से उनका सारा लहू जो है उनके शरीर से निकल गया, पूरा प्राण निकल गया और प्रभु यीशु की मौत हुई। प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा मतलब कि प्रभु यीशु के लहू में डूबकर बाहर आना। हम जो बपतिस्मा लेते वो ऐसी वैसी बात नहीं है, बाइबल में जो बपतिस्मा लिखा है वो ऐसी ऐसी बात नहीं है, वो कोई पानी का बपतिस्मा नहीं है, वो तो हमें दिखाई देता है पानी, लेकिन सही में वो प्रभु यीशु का लहू बनता है जिसके अंदर इंसान डूबकर उस लहू में से बाहर आता है। और देखना जिसका बपतिस्मा होता है वो सर से लेकर पांव तक कैसा भीगा होता है। इसका मतलब जो भी इंसान वो बपतिस्मा लेता है वो प्रभु यीशु के लहू से भर जाता है, अंदर भी और बाहर भी। और प्रभु यीशु का लहू जो है वो इंसान को अंदर से भी शुद्ध करता है और बाहर से भी शुद्ध करता है। और जब इंसान इस तरह से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध होता है तब उसका पुराना स्वभाव जो है वो पुराना स्वभाव वो चला जाता है। जो पुराना स्वभाव होता है वो पुराना स्वभाव उसका चला जाता है, साथ में उसके अंदर जो पुरानी आत्मा होती है शैतान की आत्मा वो भी निकल कर चली जाती है। उसकी जो पुरानी इंसानियत होती है वो भी उसके अंदर से निकल जाता है। पुराना स्वभाव चला जाता है, पुराना आत्मा चला जाता है, पुरानी इंसानियत जो है वो भी चली जाती है और इंसान के अंदर नया स्वभाव आता है। और नया स्वभाव मतलब 100% नया स्वभाव। नया स्वभाव मतलब जो स्वभाव हमारे परमेश्वर का है वो स्वभाव इंसान के अंदर आता है। नया आत्मा अंदर आता है मतलब कि पवित्र आत्मा उसके अंदर आते है। अब नया आत्मा उसको मिल जाते है। और पवित्र आत्मा मतलब प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, विश्वास, ये सारे जो 9 फल लिखे वो पवित्र आत्मा मतलब ये सारे फल उस इंसान के अंदर आता है और उसकी इंसानियत जो पुरानी थी वो निकल जाती है। और इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 4वां अध्याय और उसका 24वां वचन, इफिसी 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को मतलब नई इंसानियत को पहन लो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुरूप
सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है नई इंसानियत तो पवित्र है। अभी इंसान के अंदर नई इंसानियत मतलब कि पवित्रता जो है वो उसके अंदर आती है। हालेलुया। जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो प्रभु के मौत का बपतिस्मा लेता है। जब प्रभु के मौत का बपतिस्मा लेता है तो उसके अंदर नया स्वभाव आता है, नया आत्मा आता है और नई इंसानियत आती है। जब ये बातें उसके जीवन में आती है तभी ऐसे लोग वो एक मन हो सकते हैं, तभी ऐसे लोग जो है वो एक चित्त हो सकते हैं, तभी ऐसे ही लोग वो प्रेरितों के उपदेश में लगातार बने रहते, तभी ऐसे ही लोग प्रभु भोज में लगातार वो बने रहते, तभी ऐसे लोग जो है वो लगातार प्रार्थना में होल नाइट में सभी बातों में ये लोग बने रहते, तभी इनकी संपत्ति जो है वो एक होती है। जब तक इस तरह से उनके स्वभाव में नया स्वभाव नहीं आएगा, जब तक नई इंसानियत नहीं आएगी जो पवित्र है, जब तक पुराना आत्मा निकल नहीं जाएगा और नया आत्मा पवित्र आत्मा आएगा नहीं उसके अंदर, तब तक ये सारी बातें नामुमकिन है। इंसान कभी भी किसी के साथ एक मन एक चित्त नहीं हो सकता, संपत्ति साझे की नहीं हो सकती, एक जगह पर ये लोग नहीं रह सकते, क्योंकि नया आत्मा नहीं है, नया स्वभाव नहीं है और नई इंसानियत नहीं है। जब इंसान को सही में नया पवित्र आत्मा पा लेते हैं, जब उसके अंदर नई इंसानियत आ जाती है, जब उसका स्वभाव बदलकर परमेश्वर के जैसा हो जाता है, तभी इंसान जो है तभी ऐसे विश्वासी लोग जो है वो एक मन एक चित्त हो सकते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने प्रेरितों को बुलाकर कहा था कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। और मंडली की शुरुआत जो होती है वो हमेशा एक प्रेरित से होती है। और परमेश्वर का काम करने के लिए सिर्फ एक प्रेरित नहीं होता, भविष्यवक्ता भी होता है, प्रचारक भी होता है, पास्टर भी होता है, टीचर भी होता है, आराधना करने वाला भी होता है, झाड़ू मारने वाला भी होता है, पोछा लगाने वाला भी होता है, बाइबल पढ़ने वाला भी होता है। परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक टीम वर्क है, ये किसी एक इंसान की बात नहीं। एक आत्मा जितना वो एक टीम वर्क है। जब हम पहले भी सीख चुके कोई एक इंसान ये काम नहीं करता, लेकिन टीम वर्क होता है, सभी लोग मिलकर ये काम करते। कोई प्रचार करता है, कोई वचन सिखाता है, तो कोई आराधना करता है, कोई पैसा देता है। और इस तरह से परमेश्वर के लोग वो एक आत्मा जो है वो जीत पाते। कई बार परमेश्वर कई लोगों को, सभी लोगों को नहीं, कई लोगों को नौकरी या धंधे से आज़ाद करवा कर उसका इस्तेमाल करते, और कई लोगों को परमेश्वर अपनी नौकरी के साथ अपने कारोबार के साथ उनका इस्तेमाल करते। ये परमेश्वर के हाथ में कि किसके पास कारोबार छुड़वाना है, किसको जॉब के साथ काम करवाना है। पौलुस देखो इतना काम करने के बाद वो खुद कारोबार करते थे, और तंबू बनाने का जो कपड़ा आता था वो बुनने का काम पौलुस करते थे। तो जॉब करना कारोबार करना वो कहीं पर गलत बाइबल में नहीं लिखा है। इंसान कर सकता है, करना ही चाहिए उसको, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसको ये सारा काम करना ही चाहिए। हाँ, परमेश्वर किसी को छुड़ाते उसकी बात अलग है, बाकी को तो ये काम जो है वो करना ही चाहिए। तो परमेश्वर अलग अलग रीति से लोगों का इस्तेमाल करते। जिसको परमेश्वर 24 घंटे इस्तेमाल करवाना चाहते, जिनको परमेश्वर ज़्यादा वरदान देते, जिनको परमेश्वर अपना सामर्थ्य ज़्यादा देते और उनको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहते, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलते कि तू बाहर निकल, तू तेरा कारोबार तेरी जॉब छोड़ दे, उसका बहुत ऐसे इस्तेमाल कर दे। लेकिन पैसा तो उसको भी चाहिए, अपना घर चलाने के लिए चाहिए, बाहर आत्मा जीतना है कहीं पर जाना है तो किराए का पैसा चाहिए, या तो फिर उसको पेट्रोल का पैसा चाहिए। तो ये सब काम के लिए उसको पैसों की जरूरत तो होती है, ये टीम वर्क है। तो दूसरा जो है जिसको परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तू अपनी जॉब छोड़ दे,
तो ऐसे लोगों का परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो अपना पैसा दे। परमेश्वर ने एक सिक्के वाले को बोला था कि तूने किसी श्रॉफ को भी दिया होता तो मुझे कुछ तो मिलता, मतलब कहीं पर पैसा लगाया होता, किसी परमेश्वर को दास को दिया होता और वो तेरे लिए आत्मा जीत कर लेकर आते, उसके आत्मा के अंदर तेरा कुछ तो हिस्सा रहता। तो कई लोगों को परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल जो है वो करते, और ऐसे लोग जब मिलते कोई पैसा देता है, कोई वक्त निकालता है। जो पैसा देता है वो वक्त नहीं निकाल सकता, जो वक्त निकाल सकता है वो कमाई करने के लिए नहीं जाता। तो सब ऐसे मिल जाते हैं तब परमेश्वर का आत्मा जो है वो लोग जीत कर वो आते हैं। और फिलिपी में ऐसा लिखा है, फिलिपी उसका 4वां अध्याय उसका 16 और 17 वचन, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस ऐसा कहते कि मैं कहीं पर था तो बोले तुम लोगों ने फिलिपी में जो लोग रहते थे उनको कहते बोले आप लोगों ने मुझे दान भेजा था, आप लोगों ने मेरी सहायता की थी, मेरी जरूरत पूरी की थी, तो याद नहीं दिला रहे कभी भी मुझे चाहिए मुझे दो, लेकिन बता रहे कि आप लोगों ने जो दिया उसके कारण मैं कहीं पर जाकर मैं काम कर पाया। पौलुस ने करिंथ वालों के पास से कभी पैसा नहीं मांगा था, कभी ऐसा नहीं बोला था कि मुझे दान दो, और ऐसा बोला ये मेरा गुनाह है, मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो। लेकिन बोले मैंने दूसरी मंडलियों को लूट कर मैंने तुम्हारी सेवा की, बोले। तो ये एक टीम वर्क है, और इस तरह से सभी लोग एक मन होकर एक चित्त होकर जब काम करते हैं तब नए नए आत्मा जो है वो आते हैं, और नए नए आत्मा जो है वो हम जीत सकते हैं। और ये नए नए आत्मा एक दूसरे से मिलते, जैसे पहले 120 लोग थे, फिर 3000 लोग आए, 3120 हो गए। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है इनकी गिनती 5000 की हो गई। फिर आगे तो परमेश्वर ने गिनती लिखना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी गिनती जो है वो गिनती लगातार वो बढ़ती जाती थी। और आज देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसीह को मानने वाले लोग हैं। तो एक टीम वर्क है, और सभी लोग एक दूसरे से मिलते जब एक टीम वर्क करते और एक आत्मा जीत कर लेकर आते हैं, तो आत्मा एक दूसरे के साथ वो जुड़ते हैं। और इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 2वां अध्याय, इफिसी 2 उसका 20 और 21 वचन, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। हाँ, तुम लोग तो कहीं पर बनाए गए हो, कहाँ पर? तो बोले जिसका सिरे का पत्थर जो है वो प्रभु यीशु है, और प्रेरित और भविष्यवक्ता उनकी नींव के ऊपर, जब हम घर बनाते तो नीचे नींव होती है, बोले वो नींव जो है वो तो भविष्यवक्ता है, वो तो प्रेरित है, और जो कोने का मेन पत्थर है वो तो प्रभु यीशु है। उनके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये कोई ईंटों और रेती वाली कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, ये विश्वासी लोगों की बात कर रहे। बोले आप लोग जो है विश्वासी लोगों को कह रहे, जिन लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के लहू से शुद्ध हो गए, जो एक मन के थे, जो एक चित्त के थे, उनको ये बाइबल का वचन ऐसा कह रहा है, पौलुस पवित्र आत्मा से ऐसा लिख रहे हैं कि प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव के ऊपर, और जो मेन पत्थर है वो तो प्रभु यीशु है, उसके ऊपर तुमको बनाया गया है। और आगे पढ़ो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। परमेश्वर में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। देखो हमें कहा है जो हाथों से बनता है उसको परमेश्वर मंदिर नहीं कहते, लेकिन विश्वासी लोग, आत्मिक लोग एक दूसरे के साथ सही रीति से जुड़ते हैं। सही रीति, ये एक वचन कोई गुजराती में पढ़ दो, 20 और 21। कभी भी देखना जब घर बनाते ईंटें कैसी आती है, एक समान आती है, लेकिन कोई लंबी हो कोई छोटी हो तो कैसे घर बनाएंगे। तो योग्य रीति से विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर का भवन कहा गया। कब? एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तब, और वो भी किस तरह से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ योग्य रीति से जुड़कर। और पिल्लर कौन है, नींव कौन है?
तो बोले प्रेरित और भविष्यवक्ता और मेन पिलर कोने का पत्थर वो तो प्रभु यीशु एक, और उनके ऊपर सभी लोगों को बनाया जाता है। मतलब जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाने वाला एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लेकिन बीच में कुछ सामान रखता है ताकि वो चिपक जाए। ये देखो घर देखो कितना सीधा दिखता है लेकिन अंदर ईंटें पड़ी हुई है। कैसे इन लोगों ने नाप ले लेकर सही रीति से इसको बनाया है योग्य रीति से, लेकिन एक ईंट ऐसी रखे एक ईंट ऐसे रखेंगे तो कैसा होगा घर? अरे बोले घर की कबाड़ा है। योग्य रीति से और ये योग्य रीति से जुड़कर एक दूसरे के साथ जुड़कर हम जो है विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ सही रीति से जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? परमेश्वर का एक भवन जो है वो हम बनते हैं। एक बार फिर से पढ़े 21 वचन हिंदी 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 जिसमें सारी रचना जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। परमेश्वर में एक पवित्र मंदिर वो बनती जाती है। ये परमेश्वर हमको कह रहे हैं, हम इंसान को कह रहे हैं। प्रेरित वो नींव है, भविष्यवक्ता नींव है, और इसके ऊपर सभी लोग विश्वासी लोग आत्मिक लोग एक दूसरे के साथ सही रीति से जुड़कर परमेश्वर का एक भवन जो है वो बनता है। और गुजराती में 21 वचन पढ़ो तो बढ़ते बढ़ते एक जुड़ गया दूसरा जुड़ गया तीसरा जुड़ गया इसलिए जुड़ जुड़ कर बढ़ते बढ़ते परमेश्वर का भवन बनता है। अभी देखो परमेश्वर का भवन मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि ये महेंद्र भाई का घर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन रहता है? महेंद्र भाई। परमेश्वर का भवन मतलब जिसमें परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। हम विश्वासी लोग हम आत्मिक लोग एक मन एक चित्त होकर योग्य रीति से अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो परमेश्वर को रहने के लिए एक भवन बनता है। और परमेश्वर का भवन मतलब कि जिसमें परमेश्वर रहते हैं वो बनता है। हालेलुया। किसी को ना समझ आए ऐसा तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना, हाथ उठाकर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के साथ हम जब जुड़ते हैं तब परमेश्वर को रहने की एक जगह बनती है, परमेश्वर का भवन बनता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? यही बात नहीं हो रही है। योग्य रीति से एक दूसरे के साथ जुड़ना कई बार ऐसा होता है कोई किसी के घर जाता है किसी को कुछ सिखाता है बाद में मुझसे पता चलता है अपनी पत्नी को सुधारता नहीं और मुझे सुधारने के लिए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? योग्य रीति से एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, कहीं पर कुछ समस्या है। ध्यान से समझना एक एक वचन। अगर सिखाने वाला अपने पत्नी को नहीं देखता और बाहर जाकर कहीं पर देखता है तो गलती भी है, क्योंकि अगर उसी का सही से उद्धार नहीं हुआ तो वो कैसे सिखाएगा? कई बार सुनने को मिलता है जैसे वो संपूर्ण है, मैसेज कर बता बीमारी इसलिए आई। तो क्या तेरे घर में नहीं आई? तब किसकी समस्या थी? किसी को सुनाना, योग्य रीति से एक साथ जुड़ना। अभी तक काम आरोगे तो क्या करो, ईंट आपस में लड़ने लगेगी। तो एक मन और एक चित्त। कई लोग तो ऐसे मुझे तो बोलने ही नहीं, मैं ठीक हूँ बस तू तेरा देख, ऐसा ही बोलते। मैं तो ठीक हूँ बस, मुझे तो परमेश्वर ने बता दिया बात खत्म करो, तुम्हारा तुम लोग जानो। और एक बात ध्यान में रखना कि जब हम इकट्ठा होते तो मैं बाहर वाले की कभी बात नहीं करता, मैं उन्हीं की बात करता हूँ कि जो ऐसा कर रहे
और अभी ये सारी बातें जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस तरह से, जिस तरह से शुरुआत की कलीसिया एक थी, आज कितने लोग एक होने के लिए तैयार हैं? एक ही हाथ मेरा मुंह देखकर नहीं गया, बहुत कम लोग इधर भी समझो, एक ही इधर एक इधर नहीं, पति और पत्नी एक नहीं होता कैसे होगा? हालेलुया, हालेलुया। चलो जितने एक है उनके पास जो भी कारोबार है जमीन है बेच कर आ जाना कल मेरे पास। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही करते थे बाइबल में, ऐसा ही करते थे। तो अपना जो कुछ है उसको बेच दो और जितना भी इकट्ठा किया हो उसको भी बेच दो, पूरा कैश लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल के वचन से ही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के पैसे की, या किसी का सोना या चांदी या किसी की ज़मीन या किसी के घर की ज़रूरत नहीं है। कुछ साल पहले अहमदाबाद में मुझे घर मिला था, 2017 में संगत के लिए छुड़ा था मैंने। उस वक्त सब लोग रोने लग गए थे, इसीलिए छोड़ दिया था वो नहीं जाना हमको। बिंदु बोलती है नहीं, परमेश्वर ने दिया है हम जाते हैं। मैंने बोला मेरी ओर से फाइनल नहीं जाना। बच्चे बोलते हैं घर पर एक बार परमेश्वर पूछ ले, चिट्ठी डालते, मैं चिट्ठी डालो परमेश्वर हाँ बोले फिर भी मैं नहीं जाने वाला। छोड़ दिया था उसको। और इसलिए मैं हिम्मत से कहता हूँ, अब हाथ उठाकर बताओ कितने लोग कल जाकर अपना घर बेच कर आने वाले मेरे पास? नहीं है, बेचकर कहीं पर जगह लेना चाहते थे। बात तो मैं सभी की जानता हूं अंदर से। हालेलुया, हमारे घर में शादी होती शादी कर सकते हैं, दो पांच लाख खर्च कर सकते हैं, बर्थडे आती है तब भी हम खर्च कर सकते, बच्चों की फीस भर सकते, इसका मतलब है हमारे पास। अब मैं सही में सीरियसली बोल रहा हूँ, कितने लोग इस तरह से एक होने के लिए तैयार कि कल बेचकर आज भी मैं बोलता हूँ हालों का घर में छोड़ दूंगा अगर आप इस तरह से आते हो। मैं छोड़ने के लिए आज भी तैयार हूँ, मैं 100% रेडी हूँ, चाहे कितना भी पैसा चलाएगा कोई बात नहीं। ऐसा एक होने के लिए प्रभु यीशु का लहू चाहिए हमें, अंदर और बाहर, जो हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 12वां अध्याय उसका 24 वचन पढ़ो तो। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और उस लहू के पास तुम लोग आए हो हाबिल के, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो हाँ। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तुम प्रभु के उस लहू के पास आए, एक बात को ध्यान से समझना, इन आखिरी दिनों में मैंने एक ही बात बोले कि वचन बहुत परफेक्ट आने वाले और जो होगा वही परमेश्वर दिखाने वाले। और ये सारी बातें सिर्फ इसलिए किसी को ताना मारने के लिए नहीं, लेकिन सही में यहाँ पर जैसे हम हैं एक है न, हम स्वर्ग में आराधना करना चाहते हैं बस।
हालेलुया। ऐसे ही सब लोग बैठे होने चाहिए, बस मैं वहां पर प्रचार नहीं करने वाला, मैं वहां जरूरत नहीं उसकी। हालेलुया। तो हम चाहते हैं सर तुम उस छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, उस यीशु के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से अच्छा बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर आए कहीं नहीं दरक, तेरा भाई कहां एक मर्डर कर आया था, जमीन में दफन कर आया था, और कैन बोलता है कि क्या मैं उसका रखवाला हूं। और तब परमेश्वर ने ऐसा बोला कि कैन तेरे भाई का लहू मुझे जमीन में से आवाज दे रहा है, मुझे पुकार पुकार कर रहा है, मेरे भाई ने मेरा मर्डर कर दिया, परमेश्वर बदला लो। लेकिन प्रभु से कह लो आप उनके पास आए हो जो क्रूस पर ऐसा बोल रहे हैं, हे मेरे पिता इनको क्षमा करो, ये क्या करते हैं नहीं जानते। कितना अंतर है, क्यों एक नहीं, हाबिल का लहू अभी अंदर तो बाहर है कि प्रभु का लहू कहां अंदर आया, प्रभु का लहू कहां अभी बाहर लगा है। अभी सही में जो समझ होनी चाहिए, सही में जो लहू आना चाहिए वो अभी नहीं है। कौन सा लहू है जो ऐसी बातें करवाता है आपसे, कौन सा लहू जो है अंदर से ऐसा बोलता है कि मेरी इसके साथ नहीं बनती, कौन सा ऐसा लहू है जो एक होने से, इस तरह से एक होने से आपका हाथ उठाने से मना कर देता है। वो मेरे प्रभु का लहू तो वो नहीं है। बिना पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के फल के बिना इस तरह से जुड़ना असंभव है। मैं कई दिनों से यही बोल रहा हूं कि नहीं रहा पवित्र आत्मा, बस मैं समझाना चाहता हूं, कोई नहीं आता मेरे पास, सभी को सैतान ने भरमा कर रखा है, तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बिना पवित्र आत्मा इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ना असंभव, नहीं इंसानियत के बिना एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ना नामुमकिन है। नया स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, वो जब तक नहीं आता इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ना मुश्किल है, असंभव है। इसके लिए सब कुछ चाहिए। आज जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 13 से 22 तक, और वहां पर परमेश्वर ने ऐसा कहा हे नूह इधर आ, तो अपने लिए जहाज बना दे। जहाज जो है 300 हाथ लंबा होना चाहिए, 75 हाथ चौड़ाई उसकी होनी चाहिए, 30 हाथ उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और बोला उसको नूह को, तू तेरी पत्नी तेरे 3 बच्चे उनकी पत्नी, ये 8 लोग जहाज में आ जाओ, और जितने भी पशु पंछी है उनका एक एक जोड़ा, उन सभी को अंदर लेकर आओ, मैं इनसे थक चुका हूँ, मैं इनका नाश करने वाला हूँ, और 40 दिन 40 रात लगातार बरसात आएगी और इस धरती को मैं डुबो कर मैं मार दूंगा, लेकिन तुमको मैं बचा लूंगा 8 लोगों को। नू अपने लिए जहाज बना ले, नू अपने लिए जहाज बना दे। अभी जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी 22 वचन कहता है नूह ने ऐसा ही किया, लेकिन करते करते नूह को 100 साल लग गए। हालेलुया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, उसका 14 वचन को पढ़ो तो, इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तू गोफेर वृक्ष का लकड़ा ले, पूरे बाइबल में यहीं पर ये शब्द लिखा गोफेर, और उस वृक्ष का तू लकड़ा ले और उस लकड़े से तू जहाज बना ले। पूरे बाइबल में कहीं पर भी ये शब्द वापस नहीं आता, लेकिन इब्रानी लैंग्वेज का जानकार इंसान ये बोल रहा है कि गोफेर जो शब्द है वो देवदार के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक ही बार। तो सही में जो पेड़ लेना था वो था देवदार। हालेलुया। और भजन संहिता 92:92 और उसका 12 वचन पढ़ो तो,
उधर भी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी मतलब आज्ञाकार इंसान, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, उसको परमेश्वर ने किसके साथ उसकी तुलना की? देवदार के लकड़े के साथ। हालेलुया। देवदार के लकड़े के साथ धर्मी लोग मतलब जो आज्ञाकारी करते हैं उनकी तुलना की। ये जो देवदार का लकड़ा है वो फर्नीचर बनाने में काम आता है, और कभी भी जो फर्नीचर बनाने वाला होता है उसको जाकर पूछना, जो लकड़ा काट कर खुद फर्नीचर बनाता है, ऐसा जो तैयार लकड़ा लेकर आता है उसकी बात नहीं कर रहा, जो खुद लकड़ा काट कर लेकर आता है। जब लकड़ा काट कर आता है तो लकड़े को सुखाना पड़ता है, और सुखाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको धूप में रख दो और उसको सुखा दो। सुखाने का मतलब ये होता है कि उस लकड़े को पहले इतना पानी दो कि जितना पानी वो पी सकता है। कभी भी देखना रास्ते में वो कुछ लोग होते हैं दो चार टेबल ऐसे अपने हाथों में उठाकर लेकर आते हैं और जोरों से चिल्लाते, टेबल ले लो, टेबल ले लो। आप वो टेबल लेते हो और घर में ऐसा रख कर देखते हो, हाँ सही है टेबल, और दुकान से ज़्यादा वो सस्ते में पड़ता है, आप उसको कई बार ले लेते हो। फिर क्या होता है, महीना होता है और फिर टेबल ऐसे ऐसे डगमगाने लगता है। कई बार टिपोए लेते हो सस्ते वाले और फिर ऐसे डगमगाने लगती है। कई बार आपके घर के दरवाजे जब बरसात आता है तब क्या होता है कि वो चिपक जाता है नीचे से, और उसको फिर जोरों से मारना पड़ता है। कभी कभी तो उसकी कुंडी जो हो वो लगती नहीं, क्योंकि वहाँ तक दरवाज़ा पहुँचता ही नहीं, वो फूल जाता है। इसका कारण क्या है कि फर्नीचर बनाने वाले ने सही से नहीं बनाया। कोई भी लकड़ा हो उसको सबसे पहले उसको बहुत सारा पानी दिया जाता है, जितना पानी वो पी सकता है, उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है। और जो पेड़ होता है उसका जो लंबा लकड़ा आता है, तो एक फर्नीचर बनाने वाला जो था सुथार, उसके साथ मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया था, क्योंकि हम खुद एक लकड़ा बेचना चाहते थे, तो मैंने उसको बोला इतना तो सूखा हुआ है, अभी तू कितना सुखाएगा? बोले ऐसे नहीं, बोले जो लंबा लकड़ा है यहाँ से पानी डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। बोला इसमें कौन सा होल है? बोलो होल नहीं होता है, हमारे शरीर में कौन सा होल दिखता है, लेकिन पसीना कैसे होता है, लेकिन बरसात का पानी अंदर गया ऐसा कभी देखा? तो ये तो परमेश्वर की बात है। लेकिन इस तरह से बोले इसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं जो अंदर पानी जाना चाहिए फोर्स के साथ, और उधर से निकलना चाहिए, जितना उसको पीना है पी लेगा, उसके बाद सुखा कर उसको बनाना है, ताकि कभी भी उससे जो भी फर्नीचर बने वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना बने, और बनने के बाद टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। इस तरह से बनाया जाता है फर्नीचर। लेकिन ये देवदार जो है उसका लकड़ा ऐसा आता है, उसको सुखाने की जरूरत नहीं, उसको भिगाने की जरूरत नहीं, हरा हरा ही काट कर लेकर आओ, फर्नीचर बना दो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा, दरवाजा बना दो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। और देखना कभी जो पेड़ होता है उसको काटते हैं ना, कभी उसके लकड़े में गांठ आती है, और गांठ जो होती है वहां पर आप फिल्ली भी मार दो नहीं लगेगी आपसे, उसको ड्रिल से मारना पड़ेगा। लेकिन ये देवदार का लकड़ा ऐसा होता है उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, और जब भी उसमें खिल्ली लगाना चाहो लग जाएगी, लेकिन उससे जो फर्नीचर बनता है वो मरते दम तक वो फर्नीचर वैसा का वैसा ही रहता है। और परमेश्वर ने बोला ये लकड़ा काट और उससे तू क्या बना, अपने बचाव के लिए एक जहाज बना। और फिर से पढ़ो 14 वचन, इसलिए तू गोपैर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, हाँ उसमें कोठरियां बनाना, हाँ और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और भीतर और बाहर मतलब अंदर और बाहर तो राल लगाना मतलब कि डामर लगाना, डामर को लगाना। अभी देखो डामर काला आता है, दूसरी बात वो चिपक जाए ऐसी ऐसा पदार्थ है वो चिपक जाता है, लेकिन डामर जो होता है उसको पानी का असर नहीं होता, उसके ऊपर कितना भी पानी डालो वो पिघलेगा नहीं। जब हम लोग छोटे थे तो बर्तन में जब होल हो जाता था तब माता पिता बोलते डामर लेकर आने, और कहीं पर रोड बनता होता है तो वहाँ से हम वो पीप रखा होता है उसमें से डामर लेकर आते थे, तो हम क्या करते थे उस डामर के अंदर थोड़ा पानी डाल देते थे, फिर उससे हम डामर निकालते तो हमारा हाथ जो होता है ना वो डामर वाला नहीं होता था, वो वाटर प्रूफ रहता है, पानी का उसके ऊपर थोड़ा भी असर नहीं रहता। अभी जहाज में कहाँ लगाना, अंदर भी लगाना और बाहर भी लगाना। और इस राल शब्द के लिए, डामर शब्द के लिए जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया है वो है कफार, और कफार का मतलब होता है ढक्कन। हालेलुया। ढकने वाला, अंदर और बाहर से ढकने वाला। इस डामर को
इस जहाज के अंदर भी लगाना था, बाहर भी लगाना था, क्योंकि लकड़े का जहाज था ना, बीच बीच में छेद रहते हैं ना, अभी डामर लगा दिया, अंदर भी लगा दिया, बाहर भी लगा दिया। गलती से बाहर लगाने में हल्की सी गलती को कोई छेद रह गया तो अंदर तो डामर है, अंदर तक पानी नहीं जाएगा। अगर अंदर कुछ पानी का इस्तेमाल करो वो बाहर नहीं आएगा। अगर अंदर कहीं गलती रह गई तो मत पूरा छेद नहीं बन सकता। वैसे ऐसा भी नहीं होता, लेकिन अगर एक बात करें तो अंदर और बाहर डामर का मतलब होता है कि अब ये पूर्ण रीति से जहाज जो है वो पूर्ण रीति से वो सुरक्षित है। और डामर राल मतलब कि कफार, कफार का मतलब होता है ढक्कन। धर्मी लोग वो देवदार के लकड़े के समान है, वो जहाज कोई और नहीं, वो लकड़ा कोई और नहीं, जो धर्मी लोग है वो है एक दूसरे के साथ जुड़कर, सही रीति से जुड़कर। उनके अंदर और बाहर राल को डामर को लगाया जाता है ताकि पानी का असर जो है वो उसके अंदर होना। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका सातवां अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ो तो। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, हाँ, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब छोटे फूट निकले। हाँ, सबसे पहले ऐसा हुआ कि समुद्र के जो सोते थे, समुद्र के जो सोते थे वो नीचे से फूट निकले और नीचे से बहुत सारा पानी बाहर निकला। फिर आकाश के झरोखे खुल गए और आकाश के झरोखे भी खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही और आसमान से बरसात 40 दिन और 40 रात लगातार जो है वो होती रही। नीचे से सोते निकल आए, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी 40 दिन 40 रात, ऊपर से भी 40 दिन 40 रात। लेकिन जहाज के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर से और बाहर से उसको डामर लगाया हुआ है, राल लगाया हुआ है, कफार उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है। अंदर वाले पूर्ण रीति से सुरक्षित है, पानी उनको कुछ भी नहीं कर सकता। समुंदर का सोता, समुंदर के अंदर शैतान रहता है, ऐसा बाइबल में लिखा है, वचन संहिता 104 के 26 में। हम पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ बता देता हूँ। और ये जो बता रहे हैं संसार की बातें बता रहे, जो समुंदर का सोता फूट निकाल मतलब संसार की बातें, जो विश्वासी लोग हैं उनको संसार की बातें कोई असर नहीं कर रही। डामर है, ढक्कन लगाया प्रभु सुखा लहू है उसके ऊपर, उसको संसार की बातें असर नहीं कर रही। संसार की कोई भी आकर्षित करने वाली वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकती। संसार का पहनावा या संसार की कोई भी बातें उसको संसार में खींच कर नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि वहां पर ढक्कन लगाया हुआ है, वहां पर लार लगाया हुआ है, वहां पर डामर है और विश्वासी पूर्ण रीति से सुरक्षित है। और आसमान से जो लगातार बरसात होते 40 दिन और 40 रात, ये परमेश्वर का क्रोध है जो लोगों को मारने के लिए भड़का हुआ है। जो विश्वासी है, जो आत्मिक है, जो धर्मी है, वो परमेश्वर के क्रोध से भी बचा हुआ है, वो अंदर सुरक्षित है। हालेलुया। जो धर्मी है, जो आज्ञा कार्य करता है, ना तो उसको संसार की बातें कुछ कर सकती है, ना तो उसको परमेश्वर का क्रोध जो है वो उसे कुछ कर सकता है। डामर, ढक्कन, कफार, राल, वो इंसान को, हमको बचाता है, वो प्रभु यीशु का लहू है। और प्रभु यीशु का लहू जिसमें लोग नहाए हुए थे, डूबे हुए थे, वो लोग कैसे थे? एक मन एक चित। अभी वो ध्यान से समझक, जहाज बनाना शुरू हुआ, नूह ने शुरू किया, क्या इतना बड़ा जहाज क्या नूह अकेले बना सकते हैं? क्या उनमें अकेले में इतनी शक्ति के बड़े बड़े पेड़ को काट कर, लकड़े को काट काट कर अकेले ही बनाए? क्या उनको सहायता की जरूरत नहीं थी? उनको 100% की पत्नी ने सहायता की होगी, बच्चे जैसे बड़े बड़े होते गए होंगे बच्चों ने सहायता की होगी, उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नियों ने भी उनको सहायता की होगी। लेकिन इन 8 लोगों के सिवा और किसी ने भी इस जहाज बनाने में कोई भी सहायता नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। बस ये जहाज बनाने में जितने लोग थे वो सिर्फ 8 लोग थे। और बचाए गए कितने? वही 8 लोग। हालेलुया। बचाए गए भी 8 लोग। अभी क्या हो, बरसात आया, पहले तो इन लोगों ने आनंद किया होगा, बाकी के लोगों ने, ये 8 लोग तो अंदर सुरक्षित है, अंदर भी ढक्कन है, बाहर भी ढक्कन है, अंदर उनको बंद कर दिया गया है,
बाहर वाले एक दो दिन तो आनंद किया होगा, क्या बात है बरसात में तो मजा आता है, नूह तो अंदर बैठ गया, लेकिन तीसरे दिन भी बरसात, चौथे दिन भी बरसात, पानी भरने लग गया होगा। अभी लोगों को लगा कि जहाज़ तो काफ़ी बड़ा है, तीन चार दिन में वो पानी पर तैरने नहीं लगने वाला, अभी भी जहाज़ वहीं पर है। कई लोग भागे होंगे, कई लोगों ने दरवाज़ा खड़काया होगा, कई लोगों ने आवाज़ लगाई होगी, लेकिन उनमें से एक भी जहाज़ में नहीं जा सका और उनमें से कोई भी बचाया नहीं गया। अब इनका भागना जो था कोई भी फायदे में वो नहीं रहा। एक भेद की बात मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने जहाज़ बनाने को बोला, लेकिन नूह को ये नहीं बात बोली थी, नूह इसमें इंजन भी तो बना, इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए ना, ऐसे कैसे जहाज चलेगा, उसमें इंजन चाहिए, या तो पुराने जो भी के तरकीब हो वो तरकीब होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं की थी। दूसरी बात, चलाने वाला कोई दिए नहीं दिख रहा, हालेलुया। लेकिन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका आठवां अध्याय और उसका चौथा वचन, सातवें महीने के 17वें दिन को हाँ जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। जहाज जो है पहाड़ पर टिक गया, मतलब टकराया नहीं, उसको अच्छी तरह से उस पहाड़ के ऊपर रोका गया, मतलब कोई चलाने वाला था, समझ में आ रही बात, ये टकराया नहीं। अगर कोई चलाने वाला नहीं होता तो उसको कहाँ मालूम, टाइटैनिक में तो चलाने वाला था फिर भी नहीं संभाल पाया, टकरा गया जहाज पहली ट्रिप में। यहाँ पर चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी जैसे कोई चला रहा है, जैसे पहाड़ पर उसको रुकना है और उसको अच्छी तरह से धीरे से उसको वहां पर रोका। एक सवाल करता है, एक बस स्टैंड था, मेरे परिवार वाले को जवाब देने का मना है। एक बस स्टैंड पर तीन लोग थे, एक था अंधा, एक था गूंगा और एक था लंगड़ा। इतनों बस का इंतजार कर रहे और बस आ रही है, जो इन तीन में से सबसे पहले कौन रोकेगा बस को? एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक गूंगा है, बोलो। इधर तेरे ऊपर से कैमरा ले जाना चाहिए। एक बार फिर से बोल, कौन? बस वाला। सही बात है, हाँ बस वाला ही, बस तो ड्राइवर रोकने रोकेगा, ब्रेक तो वही लगाएगा। लंगड़ा कौन सा ब्रेक लगाना जाने वाला है, अंधा कौन सा, ये तो बाहर खड़ा है, बस को कौन रोकेगा? ये ज्यादा से ज्यादा हाथ दिखा सकते, क्या हाथ दिखाने से बस रुकती है, तो रोकेगा कौन उसको? चलाने वाला। इसका मतलब जहाज में चलाने वाला कोई है जिसने इस जहाज को उस जगह पर रोक लिया। कई बार मैं घर में बोलता हूं, आते हो दरवाजा बंद कर कराओ ना, कभी कुत्ते आ जाते तो बोलना पड़ता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय उसका 16 वचन, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हाँ, किसने बंद कर दिया? यहोवा परमेश्वर, मतलब आखिर में यहोवा एंटर हो गए, दरवाजा बंद कर दिया, अब नहीं खोलने वाला। परमेश्वर को मालूम मुझे चलाने के लिए जाना है, कोई इंजन नहीं है, कोई ड्राइवर की सीट नहीं दिख रही, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। आखिर में परमेश्वर गए और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर बाहर आवा ले ना तो उसको तोड़ सके ना ही इसको खोल सके। अभी देखो बरसात हुई उसके बाद, लेकिन पता है बरसात कब हुई? पढ़ो तो उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन, और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। 7 दिन के बाद, मतलब नूह और उनका परिवार 7 दिन पहले जहाज में चले गए थे, दरवाजा बंद, और 7 दिन के बाद यह जो जल प्रलय या तो ऊपर से जो बरसात है वो 7 दिन के बाद बरसने लगा। हालेलुया। 7 दिन के बाद
नूह के जाने के बाद, उनके परिवार के जाने के बाद, 7 दिन के बाद ये जो जल प्रलय था, पानी जो था वो बरसने लग गया। अभी चलो नूह वाली बात तो हो गई, प्रभु उसने बार बार नूह को याद किया है और अंत के दिनों में जैसे नूह के वक्त हुआ ना वैसे मेरे वक्त भी होने वाला है, ऐसा प्रभु उसने बात बताई थी। लेकिन एक वचन हम फिर से पढ़ते हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर से उसका दूसरा अध्याय उसका 20 वचन पढ़ो। तो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नियम पर हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है हाँ, आए गए हो हाँ, आगे किस जिसमें सारी रचना एक जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर एक साथ योग्य रीति से एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, परमेश्वर में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। देखो ये सभी लोग, विश्वासी लोग, आत्मिक लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर परमेश्वर के रहने के लिए एक भवन जो है वो भवन एक बनता जाता है। अभी जहाज कैसे बनाओगे? देवदार का लकड़ा अच्छी तरह से काट कर उसका नाप ले लेकर एक दूसरे के साथ योग्य रीति से जुड़कर तभी तो अच्छे से जहाज बन पाया। और जहाज जब बन गया तो आखिर में वहाँ पर परमेश्वर जो है वो परमेश्वर वहाँ पर रहने के लिए आए। धर्मी लोग मतलब देवदार का लकड़ा, धर्मी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते। अभी जब ये नूह जो थे उन्होंने जब लकड़ा एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा तो कैसे जुड़ा होगा, उसमें क्या मार दी होगी? लकड़े के अंदर जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, कील मारनी चाहिए। और विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? कील तो मारनी पड़ेगी ना, चाहे पसंद हो या ना हो। लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे फिर तो बनेगी ना, फिर क्यों नहीं बनेगी? खिल वो बीच में वो चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ विश्वासी लोग जो है वो जुड़ सकते, चाहे दुख हो। लेकिन सभी को क्या चाहिए? सुखी चाहे, कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। अरे मसीह में आ गया अब कौन सा दुख? दुख थे तभी तो हम परमेश्वर में आए, अभी हमको कौन सा दुख होना चाहिए? अभी तो हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है हम पढ़ते, रोमियों उसका 12वां अध्याय उसका 18वां वचन। जहां तक हो सके तुम भर सक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, सभी के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर से ये सिखाते, किसको सिखाते? मंडली वाले को। किसको सिखाते? जिन्होंने पश्चाताप किया। जिनको, किनको बोल रहे? जिन्होंने बपतिस्मा लिया। किनको बोल रहे? जिनके पाप निकल गए। किनको परमेश्वर बता रहे? कि जिनके अंदर अभी पवित्र आत्मा है। परमेश्वर क्या बोल रहे? एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो, चाहे कैसे भी लेकिन मेल मिलाप से रहो। बिना पवित्र आत्मा, बिना परमेश्वर का स्वभाव, बिना नई इंसानियत विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो एकता नहीं आएगी, भवन नहीं बनेगा, और भवन नहीं बनेगा तो वहां पर परमेश्वर भी नहीं आएंगे, और परमेश्वर नहीं आएंगे तो वो भवन भी नहीं। ये भवन 7 दिन पहले ही खत्म हो गया, जहाज और नूह और उसका सारा परिवार वो 7 दिन पहले ही वहां पर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। 7 दिन पहले ही वो वहां पर चले गए। जो भवन है परमेश्वर का उसमें भी हमें 7 दिन पहले ही जाना है। आखिर 7 साल किसको दिए? मसीह के विरोधी को दिए। हमें 7 दिन पहले ही, वक्त से पहले ही हमें उस परमेश्वर के भवन में एक दूसरे के साथ जुड़कर हमें एक हो जाना है। जिस तरह शुरुआत की कलीसिया थी, सब कुछ बेचकर एक दूसरे के साथ वो मिलते थे और हर रोज संगति, हर रोज प्रभु भोज, हर रोज प्रार्थना, और उसमें ये लोग लवलीन रहते थे। 7 दिन पहले नूह चले गए और 7 दिन के बाद परमेश्वर का क्रोध भड़का और उस 7 दिन तक जो भी संसार की बातें थी
इस सभी से ये नूह और उनका परिवार जो है वो बचाया गया। लेकिन गया कौन उसमें? सिर्फ वही लोग जिन्होंने ये भवन बनाया था। आज भी परमेश्वर के भवन में कौन लोग जुड़े हुए, जो टीम वर्क करते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जो सही रीति से जुड़ते हैं, दूसरे आत्मा जीतने में सहायता करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से बस सिर्फ उपदेश ही चढ़ रहे, लेकिन आत्मा जीतने वाली बात जो है वो दिखाई नहीं देती। वो तो ठीक है लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो लाओ मैं जाकर पूछूँ तो सही, मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। और इसलिए वो ध्यान समझता है, जितने लोग जहाज बनाने में नहीं थे उतने लोग उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर का भवन बनाने में जो लोग नहीं होंगे वो परमेश्वर के भवन में भी नहीं होंगे। और इसलिए आखिरी 7 दिन आए उससे पहले कि अपने आप को तैयार करो, टीम वर्क के लिए तैयार करो, सही में एक नई इंसानियत मांगो, नया आत्मा मांगो, नया स्वभाव जो परमेश्वर का है मांगो, एक हो जाओ ताकि अंतिम दिनों में बचाए जाओ। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद रखे और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, अपने बाइबल को बाद में बंद करना। परमेश्वर की आवाज़ अभी भी हमारे बीच में है और इसलिए सभी लोग उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहो। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त के भी आखिरी हिस्से में हम जीवन जी रहे, धरती खत्म होने पर है, कोई माने या ना माने, लेकिन विश्वासी लोग एक मन एक चित होकर उस जहाज बनाने में काम करने लगे। उनको पता था कैसा होगा ही होगा, चाहे 100 साल लगे लेकिन जल प्रलय आया ही आया। इस धरती का जो नाश होने वाला है वो होने ही वाला है, आप ये नहीं कह सकते वो आज नहीं है, वो कल नहीं है, वो बरसों के बाद है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो मुझे बता सकते हो ऐसा कहीं पर नहीं है। और इसलिए जिस तरह से नूह का परिवार एक हो गया इस तरह से एक परिवार बनो, एक दूसरे के साथ सही रीति से जुड़ जाओ, सभी के साथ मिलकर रहो, नया आत्मा नई इंसानियत नया स्वभाव पालो। जब तक वक्त है आत्मा जीत लो, परमेश्वर का भवन तैयार कर लो, उसी में परमेश्वर रहने के लिए आएंगे और वही बचाए जाएंगे। अगर परमेश्वर का भवन बनाने में आप नहीं तो बचने के लिए भी आप वहाँ पर नहीं होंगे, और इसलिए अपने आप को तैयार करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।